यार ये बहुत बहुत टफ है, बहुत टफ है। आधा टायर अंदर है बाइक का, आधे से भी ज़्यादा। सो अभी हम एक पॉइंट पे आ गए हैं, पता नहीं हमें कौन सा पॉइंट है, ये डेड एंड है। कहाँ से रास्ता बता रहे हो? वो बता रहा हूँ उधर नीचे। नहीं वो नहीं है, वो नहीं हो सकता। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस, सबसे पहले मैं बताऊं, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है एडवेंचरस नेपाल राइड, और अभी मैं हूं दारापानी में। इस जगह का नाम आज से पहले, इनफैक्ट कल से पहले मैंने कभी भी नहीं सुना था, क्योंकि कल हम आए थे, हमारा प्लान एक्चुअली था बेसिसहार से शामी जाने का। अभी मैं बताऊँ, हम जा रहे हैं मनांग। मनांग बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एडवेंचरस रूट है अपने इंडिया में देख लो, या फिर नेपाल का भी मैं अगर बोलूँ तो मनांग सबसे डिफिकल्ट रूट्स में से एक है, और इंडिया में तो ऐसा कहीं रूट है नहीं फिलहाल में जितना मैंने ट्रैवल किया है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो बीच में शामे हमें सिर्फ 66 किलोमीटर जाना था बिसेसार से, पर हम जा नहीं सके, 6 घंटे में हम 66 किलोमीटर्स नहीं कर पाए, ऐसी रोड कंडीशन थी, तो हम खाली 40-45 किलोमीटर्स कर पाए। और एक जगह थी जहाँ थी दारापानी, तो हमने यहीं पर एक स्टे कर लिया था। और ये जो रूम है यहाँ पीछे आपको दिख रहा है, इसके हमने खाली पे किए हैं 200 रुपीज़। यहाँ पर पीछे आप देख रहे हो काफ़ी बाइक्स आई हुई हैं, काफ़ी बाइकर्स हैं, और ये सारे नेपाल के ही बाइकर्स हैं। टोटल यार 8-8:30 बजे वो यहाँ पर पहुँचे हैं, जहाँ हम 5-5:30 बजे बाइक चलाने में डर रहे थे। तो ये है नेपाली बाइकर्स। एनीवेज, अब यहाँ से निकलते हैं, अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कहाँ तक आज हमारी मंजिल जाती है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, 8 बज चुके हैं और अब हम निकलने के लिए तैयार हैं। और सीन ऐसा हो गया कि कल यहाँ पर बहुत तेज़, और कल तो नहीं रात को, यहाँ पर बहुत तेज़, ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा 2-3 घंटे यहाँ पर बारिश होती रही है, और जिस वजह से जो रोड कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। बारिश हो गई कल रात को 3 बजे से 5 बजे तक यहाँ बारिश होती रही है, और मैं इसी बात से खुश था कि बारिश नहीं है, थैंक गॉड, क्योंकि मुस्तांग में मैं बारिश वाला स्लश देख चुका हूँ, मुझे यहाँ स्लश नहीं चाहिए था, और यहाँ पर बारिश हो गई 2 घंटे लगातार। रुक जाओ, वो तो दो थे, उन्होंने ऐसे करके चढ़ाया होगा। तो ये है मनांग, मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन आज तक की मेरी लाइफ की, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट आज तक निताब बोला नहीं जा रहा, सांस फूल जाती है। मनांग सबसे टॉप में एडवेंचर के नाम पे, मनांग से ऊपर कुछ भी नहीं है अभी। बहुत ज़्यादा स्लश है, दो दो तीन तीन बंदे लगे हुए हैं। बहुत ज्यादा स्लश है, जस्ट मेक श्योर आई डोंट फॉल दिस साइड, हाँ प्लीज। ओ फिश, ओ निकल गया इजीली, थैंक गॉड, थैंक यू। रुको, चलो पकड़ लिया। यार ये बहुत टफ है। वेट, रुको, बाइक को पुश बहुत जोर से मत करना, कीचड़ मेरे पे सारा आएगा, एक मिनट, अब लो। बस हो गया, छोड़ दो, हो गया, अब निकल जाऊंगा।
ओ भाई साहब, क्या कर दिया यार मनांग को, हमारे को ऐसा वेलकम कर दिया यार आपने। ओ भाई साहब, वो कहाँ आ गए भाई। और वहाँ पर ऊपर फ्रेश स्नोफॉल हुई है और वहाँ पर तो ऐसे डायमंड की तरह चमक रहा है ना, अभी नहीं दिख रहा, पीछे से दिख रहा था, तब मेरा कैमरा ऑफ था। मनांग ऊपर और नीचे क्या है? अच्छा, वो हो, लंका लग रही है, लंका लग रही है, लंका। अमेजिंग वाटरफॉल, अमेजिंग। ये मैंने पता है काफ़ी वीडियोस में देखा है वाटरफॉल। पहले ना यहाँ पर ना ये लकड़ी का ब्रिज होता था, अभी भी पता नहीं है, नहीं है ये, इसके ऊपर मेरे ख्याल से इन्होंने बिछा दिया, ये लकड़ी का ब्रिज था पहले वो, शायद यही था, खाली लकड़ी का था ये। ओ ये लकड़ी का, ओके। अरे वाह, मैं जो लकड़ी का ब्रिज कह रहा था ना वो ये है ना, अमेजिंग। तो मैं ज़्यादा यहाँ आज नहीं रुक रहा क्योंकि बारिश हो गई तो फिर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो सकती है बारिश में, ऐसे कंडीशन में चलाना, इसके लिए ज़्यादा नहीं रुक रहा मैं आज। फिर 60 किलोमीटर लगभग हमें जाना है, कल तो हम 60 किलोमीटर नहीं कर पाए थे, हम तो कल 40 किलोमीटर में अटक गए थे, लेकिन अभी भी हमने हार्डली कितने 6-7 किलोमीटर करे होंगे और हमें 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। सो यहाँ पर एक ब्रिज है जो पूरा कोलैप्स हो चुका है, पूरा का पूरा कोलैप्स हो चुका है, ये देखो पूरा का पूरा ब्रिज कोलैप्स हो चुका है यहाँ पर। ओ तो यही लग रहा है, शामी चामे बोलते हैं, शामे बोलते हैं, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा होगा, लेकिन यहाँ पर अच्छा खासा है, बड़ा विलेज है, छोटा विलेज नहीं है ये। हाँ, जैसे लोग कहते हैं ना कि यहाँ पर रहना चाहिए, यहीं पर ही रहना चाहिए, तो एक्चुअली इतना बड़ा विलेज है, यहाँ पर कोई रहने खाने पीने की दिक्कत नहीं है बस। वाह, बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल रही है यहाँ पर भी, छोटी छोटी गलियाँ, घर। मैं सच बता रहा हूँ आपको, एक्चुअली मेरा पूरा प्लान था मनांग सोलो करने का और मैंने किसी को भी नहीं बता रखा था कि मेरा ये प्लान है, मैं यहाँ पर जाऊँगा। बट जैसे कि अपने त्रिलोक को पता ही था कि मेरा ये प्लान है और मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला भी कि भाई राइड करते तो साथ ले जाया करो, लेकिन जब त्रिलोक ने मुझे बोला ना कि अंकित भाई चलें क्या, मतलब मैं आ जाऊँ, तो मुझे एक्चुअली इनके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था, मुझे पता है कि ये जो राइड करते हैं बहुत एक्सट्रीम राइड्स भी करते हैं, जैसे मैं भी थोड़ा पसंद करता हूँ, तो ऐसी राइड में मुझे पता था कि एक ऐसा बंदा ज़रूर होना चाहिए जो तुम्हारे को हेल्प कर सके और ख़ुद को भी निकाल सके उस सिचुएशन में। इसीलिए मैं त्रिलोक को, जैसे त्रिलोक ने मुझे बोला कि मैं आ जाऊँ, तो मैंने कहा भाई यू आर मोस्ट वेलकम, आ जाओ। और आई एम ग्लैड, एक्चुअली आई एम हैप्पी कि त्रिलोक साथ में है, क्योंकि इस टेरेन पर अपने आप को संभालना
फिर भी होता है, लेकिन दूसरे को भी संभालना होता है, तो यही सिचुएशन में एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से चलता आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि ये जगह ना सोलो किसी के लिए, मैं भी अगर अकेले रहता हूँ ना तो मैं भी इसको नहीं कर पाऊंगा, जब तक आपके साथ एक आपके साथ में नहीं होगा ना तब तक इस जगह को, मतलब बहुत एक्सट्रीम है यार, बहुत एक्सट्रीम, मैंने भी खुद इतना एक्सट्रीम नहीं किया कभी एक्चुअली, हमें कुछ अभी ज्यादा किलोमीटर नहीं चले हुए और पूरे गीले हो चुके हैं हम एक्चुअली, पूरे पसीना, अब तो मुंह पे पसीना पहुंच लिया है, तो अभी एक चाय पीने के लिए रुके हैं, थोड़ी सी एनर्जी वापस ले रहे हैं, कुछ खाएंगे, मतलब बिल्कुल बुरा हाल है, तो अब यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में, और ऊपर क्लियर दिख रहा है, फ्रेश स्नोफॉल हुई है, पूरी फ्रेश स्नोफॉल हुई है क्योंकि कल बारिश हुई थी, तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं, अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। सो ये है टेकन 250 हीरो की बाइक है, चलो। सो अभी हम यहाँ पर ना शामे में ही हैं और ओके भैया थैंक यू। तो त्रिलोक की बाइक की चेन टाइट करवानी थी, बहुत ज़्यादा लूज हो गई थी, और हमने जैसे चेन टाइट करवाने के लिए रुके, इतनी तेज़ बारिश हो गई लिमिट पार, और अच्छा हुआ ऊपर वाले ने हमारा साथ दिया, क्योंकि आगे कह रहे 2-3 किलोमीटर के बाद बहुत गंदा स्लश है। क्या इसे ज़्यादा है स्लश? कितना लंबा है? थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा है, कितना घुटने का कीचड़ है? चलो इन्होंने तो डरा दिया हमको, जो पीछे बोल रहे थे वो फैक्ट है कि आगे है बहुत ज़्यादा कीचड़, और कीचड़ इतना है कह रहे कि पूरे एंकल से ज़्यादा जो है आपका पैर कीचड़ के अंदर होगा। क्या गाना लगा रखा है। अरे यार मेरा वाइजर मुझे दुखी करता है, वाइजर नीचे हो जाता ना, इसलिए मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ऑफ रोड में बाइक चलाने में। राइट में राइट कह रहे हैं, राइट गिरते गिरते बचा त्रिलोक, आधा टायर अंदर है बाइक का, आधे से भी ज्यादा। ओ भाई क्या हुआ, कुछ गड़बड़ ना हो ये इसके साथ बस। ओ तार फंस गई कहाँ पर? ओ शेट, अब एक प्रॉब्लम हो गया, ओ यार कि इसकी बाइक के अंदर फंस गई है, तो त्रिलोक की बाइक में ये फंस गया था, ये चेन के अंदर, थैंकफुली ये लोग भी थे और इन्होंने खींच के, अभी तो यहाँ आगे भी आता स्लश नहीं, अभी ऐसा नहीं है, मनांग मनांग 1 घंटे में बस, ये पैस दिख रहा ऊंचाई का, चलो थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया। फिश हो एक राइट को रोड जा रहा है, एक लेफ्ट को जा रहा है। सो अभी हम एक पॉइंट पे आ गए हैं, पता नहीं हमें कौन सा पॉइंट है, ये डेड एंड है। कहाँ से रास्ता बता रहे हो? वो बता रहा हूँ ना उधर नीचे। नहीं वो नहीं है, वो नहीं हो सकता। गाड़ी का टायर का निशान देखो पूरे। कहाँ? वो गाड़ी कहाँ से जाएगी वहाँ? ऐसे है ना अंदर से वही रास्ता था। तो ये डेड एंड आ गया, वो एक बार पीछे पता करें, ये देखो रास्ता तो जा रहा है यहाँ से ऊपर ऊपर भी जा रहा है।
चलो वो एक बंदा आ रहा है उससे पूछा मैंने, मनांग ऐसे करता है हाथ हिला रहा है, बस दो बार पूछा मनांग मनांग। इस समय रास्ता नहीं मिल रहा हमें, और किस रूट से आए थे हमें वो भी, मेरे को तो वो भी नहीं याद आ रहा। यहाँ से एक नीचे रास्ता जा रहा है, चलो पूछ के आते हैं किसी से, नीचे वालों से। नीचे नहीं उतरेंगे हम, कहाँ जा रहा है रास्ता जा रही है। कोई बंदा दिख तो रहा आगे, वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई लोकल भी नहीं दिख रहा ना, जैसे इंफॉर्मेशन मिल जाए। आगे दिख रहे हैं लोकल एक दो शायद, एक बार कंफर्मेशन हो जाना तो तसल्ली रहेगी। सर मनांग के लिए यही रोड है, बाइक के लिए भी यही है। अभी ठीक है, हम आगे चले गए थे। हाँ चलो शुक्रिया, थैंक यू। सो अभी यार कुछ बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस एडवेंचर हो गया है कि अभी ना हम यहाँ से आए नीचे से। एक्चुअली क्या था, ये रोड जो अभी इन्होंने काम चलाऊ कह सकते हैं, अभी बनाई है ये। एक्चुअली जो प्रॉपर रोड है ना वो ये वाली रोड है, जो अगर आपको दिखेगा तो ये वाली रोड ऊपर वाली। अब यहाँ पर हुई है लैंडस्लाइड, और जिस वजह से रोड के ऊपर आप देख रहे हो ये वाले सारे पत्थर आ गए हैं, और ये वाले पत्थर सारे आ चुके हैं, और ये रोड जो है पूरी टूट चुकी है। और ये कनेक्ट करती थी रोड ये ऊपर वाले पैच को, वहाँ वाले पैच को कनेक्ट करती थी, इसीलिए हमें इस वाले नीचे वाले रूट से आना पड़ा। और बहुत ही यार ख़तरनाक, और मेरे तो मन में हो रहा था कि मैं सही रूट पे जा रहा हूँ नहीं जा रहा। अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत रूट हुआ ना तो यहाँ से वापस आने में जान निकल जाएगी। एनीवेज कुछ नेपाली बाइकर्स भी आ रहे हैं, कुछ नेपाली बाइकर्स आ रहे हैं अब तो। अपने नेपाली भाइयों को सलाम है, इनसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। साथ में ये दो बैठ के क्यों चलते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा ही चलता है ना, दो इकट्ठा होता है। अभी रोड कैसा था, मजा आया? चार हो गए, अच्छा लगता है। अभी देखा जाएगा, अभी कैसा था रोड, मजा आया? रॉकिंग हुआ है, बहुत मजा। अब अभी अभी हम वहाँ आगे मिलेंगे, मुझे सिखाना दो बंदे को बैठ के कैसे बाइक चलाते हैं, हमसे नहीं चले भाई। चलो यार ऑल द बेस्ट। हाँ तो हम किसी जगह डुकुर पुखारी लिखा है, डुकुर पुखारी, अच्छी जगह लग रही है ये तो। सही, बहुत अच्छा यार ये तो, मतलब देखना कैसे अरेंजमेंट कर रखा है, कैसे बना रखा है, ओपन बना रखा है, ऊपर टेरेस टाइप में बना रखा है। सो गाइस एक क्विक अपडेट, अभी हम आ चुके हैं, जगह का नाम है डुकुर पुखारी, और ये जो आपको पूरा दिख रहा है ये डुकुर पुखारी का ही पूरा गांव है। और अच्छा एक लोकेशन हमें दिखा था, इसके लिए हमने यहाँ पर थोड़ा रेस्ट लिया। कौवा कौ कौ कर रहा है, एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पर हमने अपना लंच कर लिया, अभी थोड़ा सा बाकी है, अभी करूँगा, थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं। अभी अभी दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। मनांग अभी यहाँ से भी कह रहे हैं कि 1.5-2 घंटे का रास्ता है, देखते हैं। बट अभी तक का जो एडवेंचर था आपने देख लिया है, कैसी सिचुएशन थी, कैसी रोड है। अगर मेरे पीछे पूरा दिख रहा होगा आपको तो वहाँ पर है पूरा ग्लेशियर सा जमा हुआ, पूरा बर्फ़ का पहाड़ जमा पड़ा है, और पूरे क्लाउड्स चारों तरफ ही पहाड़ के, मतलब अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। पूरे डिफरेंट तरीके के पहाड़ हैं यहाँ पर, सब कुछ डिफरेंट वैली दिख रही है। तो चलो अब एक काम करते हैं, बाइक नीचे ही खड़ी है और उसके ऊपर सामान लोड करते हैं और यहाँ से निकलते हैं, और अब अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। और एक और मैं आपको बता दूँ, अभी खाना खाना है थोड़ा सा। इस प्लेट के हमने दिए 400 रुपये, और इस बॉटल के हमें नेपाली रुपीज़ पड़े हैं 250 रुपीज़। तो अभी मैं ऐसे ही व्यू देख रहा था अपने भाई के साथ, ये भाई साहब आ गए, कहते हैं ड्रीम चेजर। कौन कौन सा वीडियो देखा आपने? सारा देखा? हाँ मना मुस्तांग, हाँ आरएस पे किया था। यस बुलेट वाले थे, सही है, अब 100% कह सकता हूँ। हाँ
अभी मनांग कितना देर लगेगा यहाँ से? एक घंटे में पहुँच जाएंगे हम। हाँ टेलीचो, आप गए हो पहले टेलीचो? हैं आप नेपाल के हो ना? हाँ काठमांडू से हो, सही है यार, बहुत अच्छा। देख रहे हो सब कुछ बदल गया नीचे, कैसे ऑरेंज कलर के, जैसे ऑटम का मंथ होता ना बिल्कुल। वाओ ऑरेंज कलर के नीचे क्या है, झाड़ है क्या ये? और बिल्कुल दोनों तरफ जंगल एरिया, पेड़ पेड़। और ये निकलती हुई वैली, इतने खूबसूरत पहाड़ दिखते हैं। अब हमें डाउन हिल ही उतरना है एक्चुअली, हम काफ़ी अपील हो गए ना, अब हमें डाउन हिल उतरना है, हम डाउन हिल होंगे हम। अरे मेरे भाई साहब, लेफ्ट का व्यू तो देखो, क्या अल्टीमेट व्यू है। मनांग कितना दूर है इधर से? अभी 5 मिनट लगेगा बाइक में। 5 मिनट है? बैठो 2 मिनट, बैठे 5 मिनट रह गया। हाँ थोड़ा आगे लगाते हैं, चलो वहाँ पर। हाँ हाँ सो ये है एक अलग सी दुनिया, बिल्कुल टोटल डिफरेंट दुनिया है। अलग सी बोल रहा हूँ इसके लिए क्योंकि इतनी खूबसूरत वैली मैंने, क्या बोलूँ यार, लद्दाख में तो है नो डाउट, लेकिन अगर उसके बाद कहीं पर इतनी खूबसूरत वैली है तो मनांग का मुझे लगा। मेचू का भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा था, लेकिन मेचू का जो था अरुणाचल का वो छोटा सा पार्ट ही था, खाली छोटा सा एरिया में खूबसूरती है, लेकिन ये गजब है। तो ये है एक हमारे भाई साहब, हमें यहीं पर ही मिले, तो इन्हीं का एक होटल भी है खांगसर में, तो अभी देखते हैं, प्लान यही करेंगे खांगसर आज चले जाते हैं। जो भी होगा बाकी अपडेट मैं आपको आगे दूंगा। ये खड़ी चार्ली, थोड़ी देर रेस्ट की हमने यहाँ पर, खाया पिया और अब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ ठंडी है, थोड़ा बहुत यहाँ बर्फ गिरता है, बर्फ गिरता है बर्फ। हाँ यहाँ पर कितना ऊपर ऊपर पूरा, ओए होए होए होए। तो हमारा पहले था मनांग जाने का प्लान, अभी हमने मनांग जो है थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया, मनांग देखेंगे, यही होता है ऑन द स्पॉट हम डिसीजन ले रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं खांगसर, तो अभी हम जा रहे हैं खांगसर, एक्चुअली खांगसर इन्हीं का एक होटल है, तो कह रहे हैं खांगसर में आज चल लो। और ओए होए, और खांगसर में रहने के बाद कल जो प्लान होगा वो मैं आपको कल का बताता हूँ, एक बार हमारा सारा फाइनलाइज हो जाए। मनांग में भी हम स्टे करेंगे, ऐसा नहीं है अभी। सींग देखो, ओ भाई कहीं मार दे, देखना वैली देखो भाई साहब। तो आप में से कई लोग होंगे जो कह रहे होंगे यार ड्रोन होते हुए भी ड्रोन शॉट क्यों नहीं ले रहे, तो उसका रीज़न मैं आपको बता दूं, यहाँ ड्रोन शॉट मतलब ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है। मैंने काफ़ी लोगों से पूछ लिया है, लोकल से भी पूछ लिया है, सबने मेरे को, मैंने एक बार हल्का तो कोशिश करी थी उड़ाने की, तो एक लोकल ने मना कर दिया कि यहाँ ड्रोन मत उड़ाओ, ड्रोन उड़ाना बैन है, यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी लोकल ने भी देख लिया ना, वो भी आपका ड्रोन ले लेंगे। तो ओ ओ ओ ओ ओ भाई साहब, मेरे को लगा तेरे लोग पे अटैक करने आ रहा है। अब हमें इस पहाड़ के पीछे जाना है, क्या बात है। अभी तक हम इस वाली लेन में थे, पहले हम उधर थे, फिर हम इस साइड पे आए, अब इस साइड से उतर के हम वापस उस वाले पहाड़ के पीछे जा रहे हैं। ओ वुडन ब्रिज, मेरे को समझ नहीं आ रहा, इतनी खूबसूरत वैली मैंने आज तक नहीं देखी है। कहाँ थे, कहाँ हम इस पहाड़ के पीछे थे, अभी इस पहाड़ पे आ गए। अरे वाह, नेपाल के पास तो बहुत कुछ है हमें सरप्राइज देने के लिए यार, अच्छा सरप्राइज दिया। सो अभी हमारी एंट्री हो रही है खांगसर, ये देखो ये लिखा एंट्री, ये खांगसर आ गया। तो ये गेट क्यों लगा यहाँ पर? ये लगाना पड़ता है। अच्छा इधर बाली है ना? हाँ ये अभी काटा नहीं है। अच्छा तो अभी ये गाय चारा ना, हाँ आ जाके खा जाएगा। ओह ठीक 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 ठीक, अच्छा ओह ओह ओह। हाँ आप लोग ना इधर पार्किंग कर सकते हैं। ये पार्किंग है? ये पार्किंग है, आप लोग को ना पे करना पड़ता है 200 रुपए एक बाइक का। फॉर हाउ मेनी डेज? 2 दिन के लिए। हाँ, जब तक आप लोग
फाइनली वी आर इन खांगसर। तो ये खांगसर, अभी ये काम कर रहा हूँ, कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। सो गाइज, यहाँ पर हो रहा है अपना वीडियो एडिट, ड्रोन चार्ज हो रहा है क्योंकि रूम में यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है चार्जिंग की, एंड यहाँ पर काफ़ी लोग भी आए हुए हैं। सो यहाँ पर अपना खाना आ चुका है, खाने में यहाँ पर आया है चावल और ये दाल होगी, और वही जो अपना रेगुलर खाना होता है यहाँ पर वही खाना है। और इस खाने के जो चार्जेज हैं वो है 600 नेपाली रुपीज़, मतलब इस प्लेट के 600, उस प्लेट के 600। और यहाँ अगर स्टे का बताऊँ तो स्टे के जो चार्जेज हमने पे किए हैं वो पे किए हैं 500 रुपीज़। सबसे पहले मैं अगर आपको टाइम बताऊँ तो इस समय बज चुके हैं लगभग 8 बज चुके होंगे, और इस समय बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि कुछ भी और करूँ। और अब एक काम करेंगे, अब मैं आपको मिलने वाला हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अभी व्लॉग करने के बाद यहीं पर मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना क्योंकि वहाँ पर मैं रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ। तो चलो गाइस, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, राइट हार्ट राइट सेफ। This is me, Dream Chetar, signing off. Bye-bye.